डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वह है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। मतलब समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या खास बात है। आप लोगों से पूछे कि समतल दर्पण जो केस से के सामने आप खड़े होते हो और उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या खास बातें हैं, तो बिना किताब के अपन को क्या करना है, याद रखना है। बिना किताब के याद रखना है ना, तो अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये क्या है भैया, समतल दर्पण है। जानते हो आप समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब मैं एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा, मानवी आप आ जाओ आगे। मानवी आ रही भैया के, इससे देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है ना, इसकी क्या खास बात है, वही तो चर्चा करेंगे। ये क्या है, आगे आ जाओ। कौन सा दर्पण, उधर खड़े हो जाओ, सामने देखो। कौन सा दर्पण है, थोड़ा पीछे से खड़े हो जाओ। कौन सा दर्पण है? क्योंकि ये देखो एकदम समतल है ना, अरे समतल कर देना खेत को भी एकदम प्लेन, ऊपर से हाथ लगा के देखो, देखो समतल है, लगाओ हाथ, शाबाश। ये क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। विशेषता देखनी है कि क्या क्या विशेषताएं होती है। अब इसके सामने खड़े हो जाओ आप आकर के, ये मानवी जो है समतल दर्पण के सामने खड़ी हो गई है। थोड़ा सा कैमरे से इधर से हो लो ताकि इसमें आ रहा है ना, ये भी आ रहा है इनका, मानवी का वो भी आ रहा है ना, आ रहा है ना। अब आप बताओ इसमें मानवी का जो प्रतिबिंब दिख रहा है वह सीधा है या उल्टा है? सीधा, टांग ऊपर दिख रहे हैं, फिर सिर ऊपर है, पैर नीचे है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। तो इसका मतलब पहली बात तो आपको याद हो गई कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, सीधा बनता है। समझ में आ गई बात, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। एक बात तो किसने बता दी आपको, मानवी ने बता दी। अब मानवी आप जाओ, ठीक है। अब अनीश आएगा, अनीश आएगा, ठीक है। अब आप अनीश सामने खड़े हो, देखो ठीक है ना, ये दिख रहा है क्या, अनीश दिख रहा है ना इसमें। अब अनीश थोड़ा सा इधर करें इसको, हाँ अब ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करता हूं अब, ठीक है ना। अब क्या होगा, अनीश की फोटो दिख रही है ना पीछे, ये अनीश यहां से इतनी दूरी पर है, इतने दूरी पर है ना, और इसका प्रतिबिंब भी पीछे उतनी दूरी पर दिखाई दे रहा है। जितना दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर दिखाई दे रहा है ना। अब देखो मैं अनीश को पास लेके आऊंगा, अनीश आ रहा है इसके पास, आ रहा प्रतिबिंब भी इसके पास आ गया, क्या आ गया, प्रतिबिंब पास आ गया ना दर्पण के पास, ठीक है। अब थोड़ा सा और पास था, अब इतनी का नाप लगा करो, लगा ना, ये तो उसने भी नाप लगा दी। इसका मतलब बिंब और दर्पण के बीच की दूरी किसके ऊपर निर्भर करती है, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर स्थित होती है ना प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर स्थित होगा, समझ गए। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर उसके सामने स्थित होती है ना, और प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है ना। ये दूरी परिवर्तित करेंगे तो प्रतिबिंब भी परिवर्तित होता रहेगा। दूसरी बात समझ में आ गई क्या, कि दर्पण और बिंब की दूरी जितनी होती है प्रतिबिंब व दर्पण की दूरी भी उतनी ही होती है, यानी कि प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। आगे बात समझ में, तो पहली बात तो क्या समझे कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। आराम से खुश रहे, सीधा प्रतिबिंब बनता है, इधर हो जा, इधर मुंह करके खड़ा हो जा, इधर समतल दर्पण द्वारा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, दर्पण के सामने कोई बिंब जितनी दूरी पर होता है ना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, समझ गए। दो बात हो, कोई दिक्कत है क्या, जैसे जैसे दर्पण के पास आएंगे प्रतिबिंब भी पास आता जाएगा, आप उसकी आंख फोड़ोगे प्रतिबिंब भी आपकी आंख फोड़ेगा। मतलब इनकी दूरी, दर्पण की बिंब से दूरी वह दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है, बराबर होती है दोनों की, समझ गए। तीसरी बात हो, तीसरी बात समझाने आएंगे कौन आएगा,
हाँ, अपने आप मन से आ जाओ, आप जाओ नहीं शब्द कौन आएगा देख, किसको इच्छा है आ जाओ। देखो ये ध्यान में रखना, एक तो सीधा प्रतिबिंब बनता है और दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर पड़ता है जिसके सामने वस्तु स्थित होती है। तीसरी बात क्या है, अब ये देखना, अब तू अपना बायां हाथ उठा ऊपर कर, ये इसने कौन सा हाथ ऊपर किया भाई, इसका कौन सा हाथ है प्रतिबिंब का, अगर इसका तो है बायां और प्रतिबिंब का कौन सा है दायां, मतलब इसमें वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखाई देता है। अब इसको नीचे कर ले, अब वो कर, इसका कौन सा भाग है, तूने कौन सा उठाया है दायां, और प्रतिबिंब ने कौन सा उठाया है बायां। आगे बात समझ में, मतलब प्रतिबिंब जो होता है उसमें वस्तु का बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। समझ में आ गई ना बात, आगे बात समझ में, तीसरी बात इसने समझा दी बैठ जा, तीन बात समझ में आ गई ठीक है, तीन बात समझ में आ गई ना, तीनों की तुनी तीनों की तीन बातें जो है ना एग्जाम में लिखनी है क्योंकि प्रश्न तो बनता है। चौथी बात और समझनी है, उसको समझाने के लिए कौन आएगा आप आ जाओ, देखो समझना जरूरी है, जो समझेगा ना अरे वो ही तो एकदम सही करेगा। चौथी बात समझ लो भैया, चार बातें समझाता हूं, इसमें तेरा प्रतिबिंब दिख रहा है क्या, दिख रहा है ठीक है ना, कहां बन रहा है इसमें प्रतिबिंब, दर्पण के आगे बन रहा है पीछे बन रहा है, आगे आगे तो तू खड़ा है दर्पण के, दर्पण के पीछे बन रहा है, बन रहा है ना प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे खड़ा है वो खड़ा मेरे को दिख रहा है, अरे वो खड़ा दिख रहा ना वो खड़ा, आप लोग स्टूडेंट्स भी दिख रहे हो देखो, लेकिन पीछे हो गए दर्पण के है ना, दर्पण के पीछे दिख रहा है ना प्रतिबिंब, मतलब चौथी बात क्या है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे बनता है, उल्टा बनता है सीधा बनता है, सीधा बनता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। इस घटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, इसको क्या कहते हैं पार्श्व, साइड साइड बदल दी जाती है, इसमें बदल दी जाती है ना, तो समझ में आ गई क्या, और ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं ये भी खास बात है, ये भी समझ में आ गई, फिर कौन सी बात रह गई भाई, अब एक बात और रह गई, ये जो है ना दर्पण के पीछे रह तेरा प्रतिबिंब, चल देख क्या है क्या, अरे कहां गए प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे तो है नहीं यार कोई, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, वास्तव में नहीं है पीछे प्रतिबिंब, अपने को सिर्फ दिखाई देता है, तो ऐसे प्रतिबिंब जिनको जो सिर्फ अपने को दिखाई दे पीछे की ओर, पर्दे पर जिनको अपन बना नहीं सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं, कौन सा, सिर्फ आभासी होता है अपने को, वास्तव में नहीं है ना, अगर वास्तव में होते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं है ना आपका प्रतिबिंब पीछे नहीं है, तो ऐसे प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं, ऐसे प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो ये समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होगी, पहली विशेषता सीधा खड़ा हो जा, सीधा इधर मुंह करके, पहली विशेषता इधर पीछे से हो जा ताकि इसमें आ जाए तो कैमरे में, पहली विशेषता क्या है, समतल दर्पण द्वारा वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे बात समझ में, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर उसके सामने कोई वस्तु स्थित होती है। दूसरी बात समझ में आ गई, तीसरी बात क्या है, समतल दर्पण में बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब, आभासी, वाह मैं पीछे और खड़ा हूं लेकिन वास्तव में नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना, है क्या, नहीं। एक बार और देख ले, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तव में नहीं है ऐसा प्रतिबिंब जिसमें जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता भाई, पता है क्यों,
क्योंकि इसमें जो किरणें टकराती है ना वो टकरा करके वापस लौट जाती है, ठीक है। पीछे की तरफ किरणें जो है ना मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में मिलती नहीं है, किरणें तो आगे चली गई, किरणें तो टकरा करके चली गई। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसमें किरणें आपस में वास्तव में मिलती है वह तो कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना उसको अपन क्या क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने वो देखा ना लेंस वाला, देखा है क्या लेंस, जलाया ना उसको, किसको, कागज को जलाया ना इसे, उस लेंस से, उसमें क्या है सूरज का प्रतिबिंब बनता है, छोटा सा प्रतिबिंब, एक जगह हो जाता है ना सारा प्रकाश, बस सूरज का प्रतिबिंब बनता है, उसको कागज में प्राप्त कर सकते हो आप, कागज में बन जाता ना वह प्रतिबिंब है। तो लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वह कैसा था, वास्तविक प्रतिबिंब था। कैसा था, किसका प्रतिबिंब था, वह सूर्य का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। तो ये थी क्या बातें, कौन सी, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। एग्जाम में आ जाए तो जरूर करके आए, क्योंकि कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, दर्पण की बातें याद रख लेना, क्या क्या अपन ने बात की थी, शीशे के सामने जाके और रिपीट कर लेना इसको, फिर भी समझ में नहीं आए तो एचआर सर को वापस से सुन लेना, ठीक है। थैंक यू, बैठिए ले बेटा, इसको रख के आ जाओ सही जगह। तो ये थी अपनी क्लास किसके बारे में, संपूर्ण दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब विशेषताओं के बारे में, ठीक है। आगे अगली क्लास में अपन और बढ़िया तरीके से आपको और प्रयोग करके ये विज्ञान की घटनाएं जो है आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।